हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा और आसान सा बुनाई का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरह दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप न्यू बॉर्न बेबी के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। इस पैटर्न को डालते हुए पूरा सेट बना लीजिएगा, बहुत ही सुंदर सा सेट बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे, यानी कि इवन नंबर में हमने फंदे लेने हैं। दो दो के हिसाब से आप फंदे ले लीजिएगा तो आपका पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ सिलाई पर मेरे 12 फंदे हैं। वैसे तो ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, लेकिन 8 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यानी कि हमने जाली डालनी है, और आगे के दो फंदों को हमने सीधा बुनना है। 1, 2 एच के फंदे को छोड़ के यही दो फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। फिर से देखिएगा, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं। 1, 2 फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यानी कि जाली डालेंगे, ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालेंगे, और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, यानी कि जाली डालेंगे, फिर आगे के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, और लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन के फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन के सेकेंड रो है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1, 2 अब ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं। फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, जाली वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और जाली वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे, लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन के सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जाली वाला फंदा है जो कि हमारा एक्स्ट्रा बन गया है, और आगे दो फंदे हमारे सीधे हैं। तो हमने क्या करना है, जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर दो फंदे में से पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर जाली वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, और आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही दो फंदे पूरी रो में रिपीट करने हैं। फिर से देखिएगा, ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे दो सीधे फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, और जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, जाली वाले फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और बुने वाले फंदे को ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, जाली वाले फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, जाली वाले फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, जाली के बगल वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है, जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। लास्ट में हमारे दो फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन के थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। पहले फंदों को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पर डिज़ाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आगे की 4 लाइनें हमने बनानी ऐसे ही है, और स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा चेंज होगा। सबसे पहले एच के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे। फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, एच के फंदों को स्लिप करके जाली डालते हुए हमने दो फंदे सीधे बुने थे, लेकिन फिफ्थ रो में हम क्या करेंगे, एक और फंदा सीधा बुनेंगे। अब स्टार्टिंग में हमारे दो सीधे फंदे हो गए हैं। अब आगे हमने वैसे ही बनाना है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे,
जाली डालते हुए दो फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से रिपीट कर रहे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे यानी कि जाली डालेंगे फिर दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। एक दो, यहाँ पर डिज़ाइन की फिफ्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारा डिज़ाइन की सिक्स रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे और जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट में दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन के सिक्स रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, ये हमारे डिज़ाइन के सेवंथ रो है। पहले फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से पैटर्न हमारा वैसे ही शुरू होगा जैसा कि हम बना रहे थे। जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अभी दो सीधे फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे को ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। स्टार्टिंग के दो फंदों को छोड़ के यही दो फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे को ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, ये जाली वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे को ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन के सेवन्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिज़ाइन के एट्थ रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन के एट्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आठ लाइनों में डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं आठ लाइनों को बार बार दोहराना है। देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप इन आठ लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसान और कितना प्यारा सा पैटर्न है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।